बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरे झंडे मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। भट्ट की नई टीम में क्षेत्रीय जातीय समीकरणों में संतुलन साधने के साथ महिला और युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि सोमवार को नई कार्यकारिणी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की दो दौर की चर्चा हुई थी। नई टीम को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि ये जो नई टीम की घोषणा की गई है उसमें सभी का ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने और प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय अजय कुमार जी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता करके विस्तार पूर्वक से सभी पहलुओं पर वार्ता करके जो प्रदेश की टीम नई टीम की घोषणा की है उसमें सभी प्रकार का ध्यान रखते हुए, चाहे उसमें जातीय संतुलन हो, चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो, चाहे उसमें महिला और पुरुषों का की टीम को टीम में स्थान देना हो, सभी प्रकार का उसमें समावेश किया गया है। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की टीम बनी है, क्योंकि उत्तराखंड का चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए उसमें महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को विशेष रूप से नई टीम में स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उसके तहत युवाओं को स्थान दिया गया है। और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं तो अनुभव जिनको जिनके अनुभव का लाभ लेना है उसमें भी टीम में स्थान दिया गया। इस प्रकार से सभी पहलुओं पर विचार करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष नई टीम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरे झंडे मिलने के बाद अब उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है और नई टीमों इस टीम में नए कई चेहरे शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि टीम बनाते समय क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का संतुलन साधने की कोशिश पूरे तरीके से की गई है। इसी के साथ महिला और युवा चेहरों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि हर ओर से समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी में की है। और उसके बाद जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन की जो दो दौर की चर्चा हुई थी वो सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि इसी चर्चा में इस कार्यकारिणी पर हाईकमान से मुहर लगी, जिसके बाद प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड में नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई। महेंद्र भट्ट ने ऐलान कर दिया है और ऐलान के साथ साथ नई टीम के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के संतुलन को साधने की भी पुरजोर कोशिश की गई है। देहरादून से संवाददाता हिमांशु बरमोला ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, फिलहाल अगर बात की जाए नई कार्यकारिणी की तो तमाम तरह के समीकरणों को साधा गया है, किस तरीके से जगह दी गई है नए चेहरों को? जी देखिए, जो नई कार्यकारिणी आई है उसमें युवाओं और मतलब पुरुषों और महिलाओं का खास तौर से ध्यान रखा गया है और ये आगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव है और चाहे हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसको साधने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। किस तरीके से कोशिश की गई है अगर बात की जाए तो नए चेहरों की, कौन कौन नए चेहरे शामिल हुए हैं कार्यकारिणी में? जी जैसे युवा मोर्चा का अध्यक्ष सूरज रावत जी को बना दिया गया है और काफी सारे चेंज भी हैं, कुछ मंत्रिमंडल में पहले से थे कुछ नए आए हैं, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त महेंद्र भट्ट हुए हैं उन्होंने युवाओं को लेकर एक कार्यकारिणी का गठन किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो इसमें युवा शामिल हुए हैं वो क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए साथ ही साथ जातीय संतुलन साधने का काम भी करेंगे। और साथ ही महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को भी इसलिए नई कार्यकारिणी में दिया गया है ताकि वो अपने क्षेत्रीय जनता को साथ सके। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।